गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारी जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो लगभग सभी सब्जेक्ट्स की स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, इसका नाम है सरस्वती स्कूल। तो आइए आज हम बात करते हैं दक्षिण चित्रशैली के पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने बात की थी उन साम्राज्यों के बारे में, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने बात कर ली कि कैसे जो बहमनी साम्राज्य के जो 5 शासक थे उन्होंने एकता करके विजयनगर साम्राज्य को क्या कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कल हमारा एक प्रश्न जरूर रह गया था कि विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख जो चित्र हैं उनमें शिव का के विविध अवतार, ये आपका एक और प्रश्न छूट गया था, वो आप देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अहमदनगर, जैसा कि आपको पता है जो बहमनी जो साम्राज्य था वो 5 भागों में बट गया था। उन 5 भागों में से केवल 3 ही हमारे सामने शेष है। पहला अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा। क्योंकि अहमदनगर ने किसे अपने अधीन कर लिया था, बिरार को, और बीजापुर ने किसे अपने अधीन कर लिया, बीजापुर ने किसे अपने अधीन कर लिया, बीदर को। अब हमारे सामने केवल 2 ही बचे, कौन कौन सा, अहमदनगर और बीजापुर। अब हम इन तीनों के बारे में, इन 2 को तो इन्होंने अधीन कर लिया, अब इन तीनों के बारे में बात करेंगे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। सबसे पहले हम बात करते हैं अहमदनगर। अहमदनगर का संस्थापक जो था उसका क्या नाम था, हुसैन निजाम साहब। अचानक उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। मृत्यु के बाद में उसका जो अल्पायु में जो पुत्र था मुर्तजा, वो गद्दी पर बैठ गया। और मुर्तजा क्योंकि अल्पायु में था, अतः उसकी जो साल संभाल थी, उस राजकाज जो देखती थी वो कौन देखती थी, उसकी माँ। कौन देखती थी, उसकी माँ। इसके समय मुर्तजा के समय मुर्तजा ने क्या किया, अपने पिता का नाम था निजाम हुसैन निजाम शाह। क्या नाम था, हुसैन निजाम शाह। उसने अपने पिता की याद में, उनकी तारीफ में एक ग्रंथ की का चित्रण करवाया, जिसका नाम था तारिक ए हुसैन शाही। किसका चित्रण करवाया, तारिक ए हुसैन शाही, जिसमें टोटल कितने चित्र थे, 12। कितने चित्र थे, 12। और इस पर किसका प्रभाव था, मालवा की नियामत नामा का। किसका प्रभाव था, मालवा की नियामत नामा। अब इसमें चित्र कितने थे टोटल, इसमें टोटल चित्र जो थे वो कितने थे, 12। कितने चित्र थे, 12। और इन चित्रों में किनका दर्शन या किनका अंकन हुआ है, इन चित्रों में विवाद दृश्यों, किसके विवाद दृश्य, किसके, हुसैन निजाम शाह के विवाद दृश्यों एवं नारी आतियों या नारियों की सुंदरता का इसमें अंकन हुआ है। इसके पश्चात इनके चित्रों पर किसका प्रभाव था, इनके चित्रों पर प्रभाव था कौन सा, मुगलिया प्रभाव। कौन सा प्रभाव था, मुगलिया प्रभाव। और मुगलिया प्रभाव क्या होता है, इसमें चमकदार रंगों का उपयोग किया जाता है और एक चश्म चेहरे बनाए जाते हैं। एक चश्म चेहरे, एक तरफ का जो मुंह है उनका जो अंकन है वो उसमें किया जाता है। इसके अलावा इसमें इसके मुर्तजा के बाद में इसका एक भाई था, नाम था बुरहान। क्या नाम था, बुरहान। बुरहान ने क्या किया, अकबर की सहायता ली। किसकी सहायता ली, अकबर की सहायता ली। और अकबर की सहायता लेकर इसने मुर्तजा को हराकर अहमदनगर पर अपना क्या कर लिया, कब्जा जमा लिया। क्या कर लिया, अपना कब्जा जमा लिया। ये अपना हो गया अहमदनगर। क्या हो गया, अहमदनगर। अब इसके अलावा एक यहां से प्रश्न एक और बन सकता है कि यहां चित्रित रागमाला पर आधारित जो ग्रंथ है, वो प्रमुख जो ग्रंथ है वो कौन सा, राग हिंडोल। कौन सा है, राग हिंडोल। कौन सा है, राग हिंडोल। बस इससे ये वो अपना जो अहमदनगर है इसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं। अगला हम देखते हैं बीजापुर। क्या देखते हैं, बीजापुर। बीजापुर के संस्थापक जो है सबसे पहले कौन आते हैं, अली आदिल शाह प्रथम। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछे जाए कि इसके प्रमुख शासक कौन कौन है, तो आपके आदिल शाह इसमें क्या रहेगा, आदिल शाह जो है ये कॉमन रहेगा, और बाकी इस्माइल आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह प्रथम, अली आदिल शाह द्वितीय, ये यहाँ के प्रमुख शासक है। इनमें से जो इस्माइल आदिल शाह था वो स्वयं क्या था, एक चित्रकार था। क्या था, स्वयं एक चित्रकार था। इस्माइल आदिल शाह जो यहाँ का एक शासक था वो स्वयं एक क्या था, चित्रकार था। क्या था, एक चित्रकार था। इसके अलावा यहाँ पर प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध चांद सुल्ताना, विश्व प्रसिद्ध चांद सुल्ताना जो किसकी पत्नी थी, अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी।
ये स्वयं क्या थी, चित्रकला में निपुण थी। क्या थी, चित्रकला में निपुण थी। इन्हीं के समय अर्थात हम ये कह सकते हैं अली आदिल शाह प्रथम, या फिर क्योंकि इनकी पत्नी कौन थी, चांद सुल्तान, इनके समय यहाँ पर एक सचित्र ग्रंथ, एक सचित्र ग्रंथ नुजूम उल उलूम का चित्रण हुआ। किसका हुआ, नुजूम उल उलूम का चित्रण हुआ, जिस पर किसका प्रभाव था, खगोल विद्या का। किसका प्रभाव था, खगोल विद्या का। और इसमें कितने चित्र थे कुल, इसमें कुल चित्रों की जो संख्या थी वो थी 876, 876। इसमें जो कुल चित्र थे वो 876 थे। इसके अलावा इसमें जो इस यहाँ के जो प्रमुख चित्र हैं वो कौन कौन से हैं, हाथियों की लड़ाई, चांद बीबी पोलो खेलते हुए, सगन वन में स्त्री इत्यादि यहाँ के प्रमुख चित्र थे। ये था अपना बीजापुर। इसमें अगर प्रश्न पूछा जाएगा एक अलग इसके अलावा, तो वो होगा यहाँ की विशेषता, यहाँ के चित्रों की, बीजापुर के चित्रों की विशेषता कौन कौन सी है। तो पहला है चेहरा कैसा बनाया जाता था, चमकदार। दूसरा, पृष्ठभूमि कैसी होती थी, हरी भरी। कैसी होती थी, हरी भरी। वह साधारण प्रकार की जो पृष्ठभूमि है वो बनाई जाती थी। इसके अलावा इसका जो अंत था वो 16वीं सदी के अंत में इसकी मौलिकता नष्ट होने के कारण इसका क्या हो गया, नष्ट, ये अंत हो गया। ये अपना हो गया बीजापुर। इसके अलावा अगला आ रहा है अपना तीसरा और अंतिम, गोलकुंडा। कौन सा है, गोलकुंडा। गोलकुंडा की जो स्थापना थी वो किसने की, इब्राहिम कुतुब शाह ने। किसने की, इब्राहिम कुतुब शाह ने, जो यहाँ का कब शासक बना, 1550 में यहाँ का शासक बना। और इसने क्या कर दिया, अपनी राजधानी क्या बना, कहाँ बना ली इसने, हैदराबाद। कहाँ बना ली, हैदराबाद। ये जो कुतुब शाह वंश था, ये जो कुतुब शाह वंश था वो मूल रूप से कहाँ का था, ईरान का रहने वाला था। अतः ईरान से इनके मधुर संबंध थे। क्या थे, मधुर संबंध थे ईरान, क्योंकि ये मूल रूप से कहां का रहने वाला था, ईरान का। अतः इनके ईरान से मधुर संबंध थे। इसके अलावा यहीं पर कि ये प्रसिद्ध प्रश्न आ सकता है कि गोलकुंडा किस लिए प्रसिद्ध है, गोलकुंडा किस लिए प्रसिद्ध है, हीरों की खान के लिए। इसके अलावा क्योंकि ये व्यापार का प्रमुख केंद्र था, एक उन्नत व्यापार का प्रमुख केंद्र था, अतः एक यह एक प्रकार की क्या थी, धनवान रियासत थी। क्या थी, धनवान रियासत थी। इसके अलावा यहाँ की जो प्रमुख जो चित्र हैं वो नारी सौंदर्य से परिपूर्ण है। किससे, कैसे है, नारी सौंदर्य से परिपूर्ण है। प्रमुख चित्रों में आप सबसे प्रमुख जो चित्र है वो है स्त्री और मैना, जो कि डबलिन के चेस्टबेरी संग्रहालय में सुरक्षित है, डबलिन के चेस्टबेरी संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके अलावा आप यहाँ का ये यहाँ की जो अन्य जो सचित्र ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं, तुजुक आसिफी, दीवान ए हाफिज। ये यहाँ के अन्य जो सचित्र ग्रंथ यहाँ की या प्रमुख ग्रंथ यहाँ के हैं। अभी इसके अलावा मोहम्मद कुतुब शाह के समय, देखो मोहम्मद कुतुब शाह के समय दरबारी चित्रों का अंकन हुआ, दरबारी चित्रों का अंकन हुआ एवं मुखाकृतियों का जो सुंदर अंकन हुआ। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके समय सुंदर मुखाकृतियों का अंकन हुआ या दरबारी चित्रों का अंकन हुआ, तो किसके समय हुआ, मोहम्मद कुतुब शाह के समय, मोहम्मद कुतुब शाह के समय। मोहम्मद कुतुब शाह के समय ये अपना पूरा दक्षिणी जो चित्र शैली थी वो पार्ट नंबर दो पूरा। इसके अलावा इससे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि दक्षिणी चित्र शैली का अंत कब हुआ, या इसकी मौलिकता किसके कारण या किसके चलते इसकी मौलिकता नष्ट हो गई। तो इसका हो सकता है मराठा चित्रकला के प्रभाव के कारण। पहला तो क्या हो सकता है, मराठा चित्रकला के प्रभाव के कारण। इसके अलावा दूसरा, मीनाकारी के प्रभाव के कारण जो दक्षिणी चित्र शैली था थी उसका क्या हो गया, अंत हो गया। क्या हो गया, अंत हो गया। अब इसके साथ साथ आपकी परीक्षा भी आयोजित की जा रही है, अतः मैं मेरे 5 प्रश्न इससे सुने जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न मेरा होगा, खगोल विद्या पर आधारित प्रमुख सचित्र ग्रंथ का नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न मेरा है कि एक प्रश्न इसमें से रह रहा है, वैसे एक प्रश्न है, किसके अनुसार दक्षिणी चित्र शैली पर ईरानी अरेबियन प्रभाव, ईरानी अरेबियन प्रभाव है। तो ये प्रभाव देखना किसके अनुसार है, हरमन बेट्स के अनुसार,
हर मेन मेन कर दो से वेट्स के अनुसार दक्षिणी चित्र शैली पर ईरानी अरेबियन प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है? ईरानी अरेबियन प्रभाव, ये प्रश्न है। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन सुनिएगा। दूसरा मेरा प्रश्न है कि अहमदनगर, कहां के अहमदनगर के प्रमुख चित्र का नाम बताइए। प्रश्न संख्या तीन, विजयनगर साम्राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था। नंबर चार, ये हुसैन निजाम शाह, कौन है हुसैन निजाम शाह, कहां का संस्थापक था। और अंतिम मेरा प्रश्न है कि कब या किस शासक के समय गोलकुंडा की राजधानी हैदराबाद बनाई गई। इन पांचों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने और इनकी यथावत आपके नंबर्स या अंक दिए जाएंगे। धन्यवाद। अगले सेशन में या अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।